नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सचिन पायलट ने आज दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब डेढ़ घंटे लंबी मुलाकात चली। पायलट की कांग्रेस में वापसी का फार्मूला तलाशा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। पायलट अगर लौटना चाहे तो वह एडजस्टमेंट के लिए कुछ समय इंतजार और कर सकते हैं। सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के नेता दो फार्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, सचिन पायलट से कहा गया है कि वह दिल्ली आकर पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी संभाले, और दूसरा, पायलट गुट से किसी भी नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। प्रदेश की दूसरी और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना नियंत्रण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पात्र लोगों को कोरोना इलाज को लेकर एक बड़ी राहत दी। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोग कोरोना पॉजिटिव चिन्हित पाए जाते हैं और किसी निजी अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं तो पूरा पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाएगा। आसान भाषा में अगर इस पूरी खबर को समझे तो जिन लोगों को गेहूं मिलते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग, अगर निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं तो इलाज के दौरान आने वाला पूरा खर्च सरकार उन्हें वापस रिफंड कर देगी। वहीं आपको इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट दे दें, अनलॉक 3.0 को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगी, यानी कि अब सीधे आप अपने घर जा सकेंगे और वहां आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर जोधपुर जिले से आ रही है। आपको याद होगा जोधपुर जिले में 11 लोगों की एक साथ वाली हत्या जो पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी, उसको लेकर नया खुलासा हुआ है। दरअसल रविवार को मर्द पाए गए 11 पाकिस्तान विस्थापितों ने मानसिक तनाव के चलते सामूहिक आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया था। मौत को गले लगाने के लिए जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्य को अंजाम मृतक परिवार की बेटी ने दिया था। सभी को जहरीले इंजेक्शन लगाने के बाद वह खुद को भी इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस फिलहाल और जांच में लगी है, कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। वहीं राजस्थान को लेकर आपको इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट दे दे, राजस्थान में सोमवार सुबह 10:30 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 598 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 53,095 पर पहुंच चुकी है। और इस घातक बीमारी के कारण पिछले 12 घंटों के दौरान 6 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। वहीं भरतपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, निर्धारित समय के बाद भी बाजार और दुकानें खुली रही। उसके बाद में पुलिस को बाजार बंद करवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस ने कुछ लोगों पर हल्का बल भी प्रयोग किया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई जिलों में वापस पाबंदियां लगा दी है, लेकिन व्यापारियों का सब्र का बांध अब कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसी वजह से जहां पर पाबंदियां हैं वहां पर भी जो है बाजार खुले दिख जाते हैं। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।